हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1। और अपने लास्ट वीडियो में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि कैसे फ्रेंच सोसाइटी की 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। हमने फ्रेंच सोसाइटी में टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ 3 इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स जॉन लॉक, जीन जैक रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू की फिलोसफी के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये तो हमें पता ही है कि जो फ्रांस की सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, क्योंकि अर्निंग के सोर्स कम थे और डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो फ्रेंड्स मुझे आपको बतानी है वो ये है कि 1789 से पहले फ्रांस को ओल्ड रिजीम कहा जाता था। फ्रांस में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए मोनार्क ने एक सॉल्यूशन सोचा कि फ्रांस में टैक्स को बढ़ा दिया जाए। टैक्स को बढ़ाने से शायद उन्हें ये लगता था कि जो सोसाइटी में, जो फ्रांस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो शायद सॉल्व हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो उन्होंने टैक्स को बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते थे। और इससे पहले ये मीटिंग 1614 में हुई थी। अब 5 मई 1789 को लुई 16th ने तीनों स्टेट्स की असेंबली बुलाई वर्साइल में। फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पहुंचे और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स वहां पर पहुंचे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ की एक बहुत बड़ी जो बात थी जिसकी वजह से लोग थर्ड स्टेट के बहुत नाराज थे, वो ये कि पहली बात तो ये है कि जो स्टेट जनरल्स थे फर्स्ट टू स्टेट के, वो आमने सामने बैठे हुए थे चेयर्स पर, और जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उनको बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी, उनको पीछे खड़ा होना था। और इसके साथ साथ जो पीजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं और जो वुमेन हैं, वो पूरी तरह से यहाँ से डिनाई कर दी गई थी, उनको परमिशन नहीं थी अंदर आने की। जो 3 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास 40,000 डिमांड लेटर्स थे जो फ्रेंच सोसाइटी की तरफ से आए हुए थे। फ्रेंच सोसाइटी का जो मोनार्क है उनका एक और रूल था कि ईच स्टेट हैड 1 वोट, हर स्टेट का एक वोट होगा। बट जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो डिमांड कर रहे थे दैट ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, हर मेंबर का एक वोट होगा, जिसको रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन किया था। लेकिन फ्रांस के मोनार्क ने इसको एक्सेप्ट करने से, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो नाराज होकर के असेंबली छोड़ करके वहां से चले गए। उसके बाद 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इनडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल। वो वर्साइल के टेनिस कोर्ट में पहुंच गए थे और वहां पर इकट्ठा हो गए और डिमांड करने लगे नेशनल असेंबली की। यहाँ तक कि उन्होंने कसम ले ली कि जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं किया जाएगा और मोनार्क की पावर को कम नहीं कर दिया जाएगा, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। इसमें उनकी हेल्प की है मीराव एंड एबेसियस ने। फ्रेंड्स, मीराव वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। जो मीराब थे उनका जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ था, लेकिन वो फ्यूडल सिस्टम को खत्म करने के फेवर में थे। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी हैं और बहुत सारे पावरफुल स्पीचेस के थ्रू उन्होंने वर्साइल में जो लोग इकट्ठा हुए थे उसको सपोर्ट भी किया है। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये टेनिस कोर्ट का ही सीन है जहाँ पर लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद है एवेसियस। ये एक प्रीस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे पैम्फलेट्स बनाए और इसके साथ साथ उन्होंने व्हाट इज अ थर्ड स्टेट इसको अच्छे से डिफाइन किया है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई तो जो फ्रांस के मोनार्क हैं उनको एट लास्ट मानना पड़ा कि ठीक है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एग्री हो गए। बहुत सर्दियों का टाइम था, फ्रांस की कंडीशन बहुत खराब थी, फसलें खराब हो गई थी, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, इतनी कंडीशन खराब थी कि जो वुमेन है उन्होंने शॉप को लूटना शुरू कर दिया। और इसी वजह से जो फ्रांस के मोनार्क हैं उन्होंने अपनी एक ट्रूप पेरिस में भेज दी थी। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल, जिसके बारे में फ्रेंड्स हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब देखिए,
बहुत सारी, अब उन्हें क्या लग रहा था कि जो वो आप जो फ्रेंच की ट्रूप्स आ रही है उन्होंने बहुत सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लोगों ने जो पावरफुल लोगों ने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। इसीलिए उन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, फ्रांस के मोनार्क के ऑफिस थे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स थे, उन पे लूटना शुरू कर दिया। वहां पे जो गोडाउन्स थे वहां से सारा अनाज निकाल लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने वहां के जो लेटर्स थे, जो उनके जहाँ पर उनके ड्यूज वगैरह के रिकॉर्ड थे, उन सबको उन्होंने जलाना शुरू कर दिया, वहां से पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या होगा, कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, नेशनल असेंबली बन गई फाइनली। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। टैक्स के ऊपर बहुत सारी ऑब्लिगेशन लगे और फ्यूडल सिस्टम के ऊपर ऑब्लिगेशन लग गए थे। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और जो क्लर्जी थे उनको भी उनके प्रिविलेजेस को छोड़ने के लिए फोर्स किया गया। टाइथ्स वर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। अब ये सारे जो उनको प्रिविलेज मिले हुए थे फर्स्ट स्टेट को और सेकेंड स्टेट को, वो कम हो गए। अब इसके बाद देखिए, फ्रेंच बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में फ्रांस फ्रेंच सोसाइटी का नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और इसका जो मेन मोटिव था वो यही था कि जो मोनार्क है उसकी पावर को कम किया जाए। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में यही मोटिव रखा कि जो पावर है वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के पास एक पूरा एक इसका कमीशन होना चाहिए और इनके पास ही ये पावर होनी चाहिए, कोई एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। और फ्रेंड देखिए, इसमें नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स थे, और जिनको डायरेक्ट एड्रेस जो फ्रांस की फ्रेंच सोसाइटी है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन entitled to vote about 4 million of a population of 28 million. इसमें वो लोग थे फ्रेंड्स जो टैक्स को पे करते थे, ये 25 ईयर से ओल्ड थे, ये टैक्स पे करते थे, ये एक रेप्यूटेटेड क्लास थी। इसके बाद फ्रेंड्स एक रखा गया पैसिव सिटीजन, पैसिव सिटीजंस को वोट करने का राइट नहीं था। ये अबाउट 3 मिलियन मैन वुमेन चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर ओल्ड इसमें आते थे, जिनको पैसिव सिटीजन बोला गया। और एक्टिव सिटीजन ने मिलाकर के एक नेशनल असेंबली, उसके इलेक्टोरेट्स बने, फिर उससे नेशनल असेंबली बनी, फिर जो पूरी पावर है वो इन 3 सेक्शंस में डिवाइड हो गई। अब इसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, नेशनल असेंबली बन गई है, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। इसमें कोई ऐसा एक ये नहीं था कि इसी मैन को पावर है, मोनार्क का रूल उस समय पावर बहुत कम हो गई थी। ओनली वन मैन अबाउट 25 इयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 डेज ऑफ अ लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। मतलब मोर अबाउट 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए और वो टैक्सेस को पे करने वाला पर्सन होना चाहिए जो वोट करने के लिए एंटाइटल्ड होगा। इसके बाद Rights such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural. जब constitution बन गया और इसके साथ साथ friends declaration of the rights of man and citizen बन गया, जिसमें लोगों को right to life मिल गया, right freedom of speech मिल गया, freedom of opinion मिल गया, equality before law were established as natural and inalienable rights मिल गए लोगों को। अब लोग अपने आप को थोड़ा सा फ्री फील करने लगे थे। इसके साथ साथ देखिए, कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल सिंबल्स भी दिए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अब फ्रांस में डेमोक्रेसी या एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन शेप ले रहा था। यहाँ पर थोड़ा ये अब लोग फ्री फील कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स भी बनाए गए।
द ब्रोक चेन एक चेन बनाएगी जो टूटी हुई थी, ये सिंबलाइज कर रही थी कि अब लोग फ्री हो गए हैं। सेकेंड है बंडल ऑफ रॉड्स, एक रॉड का बंडल है। देखिए फ्रेंड, तो बहुत ही सिंपल थ्योरी है कि अगर आपको एक स्टिक दे दी जाए तो कोई भी उसको बहुत इजीली तोड़ सकता है, जब लेकिन जब आपको बंडल ऑफ स्टिक्स दे दी जाए तो वो टूटना बहुत मुश्किल है। तो इट मींस ये यूनिटी को शो करने वाला एक सिंबल था। इसके बाद देखिए थर्ड सिंबल है द आई विदन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। ये ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड से लाइट निकल रही, लाइट मीन्स इट मीन्स ये नॉलेज निकल रही है और इसने जो लोगों में इग्नोरेंस है इसको खत्म कर दिया है। एक ये है, ये स्पेक्टर है, ये शो कर रहा है रॉयल पावर को। इसके बाद एक ये स्नेक है बीटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इसका मतलब सिंबल ऑफ इटर्निटी, ए रिंग हैज नीदर बिगिनिंग नॉर एंड। अब इसके बाद एक ये रेड कैप है जो वहां की स्लेवरी को खत्म कर दिया गया है, वहां पर ये इसको शो करती है कि लोग वहां पर फ्री हो गए हैं। ब्लू व्हाइट एंड रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, विंड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। अब इक्वल लॉ बन चुका है जो सभी लोगों के लिए इक्वली वर्क करता है। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद लोगों को अब रिपब्लिक मिला है, फ्रीडम मिली थी। लुईस 16th हैज साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ रशिया। लुईस 16th ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर लिया लेकिन वो रशिया के किंग के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, और ये जो फ्रांस में चेंजेस आ रहे थे इनसे जो नेबरिंग कंट्रीज थी वो थोड़ा परेशान हो रही थी। तो इसलिए क्या हुआ, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट रशिया एंड ऑस्ट्रिया। नेबरिंग कंट्रीज एक्चुअली फ्रांस के साथ एक अटैक करने के लिए, फ्रांस पर अटैक करने के लिए, वॉर के लिए तैयार हो रही थी, बट उससे पहले ही जो नेशनल असेंबली है उसने वोट किया और 1792 में रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कर दिया। दे सॉ दिस एज अ वॉर, लेकिन जो पीपल है, फ्रेंच जो सिटीजन है, उन्होंने इस वॉर को ऐसे लिया कि ये एक वॉर है किंग्स एंड अरिस्टोक्रेट्स के लिए वॉर है, ये पूरे यूरोप के साथ इस तरीके से उन्होंने इस वॉर को लिया है। और इस वॉर में जाने के लिए ये बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से, बहुत इंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नए नए एक मार्सेलिस एक नेशनल एंथम गीत बना दिया गया जिसको ये लोग गाते हुए वहां जा रहे थे, तो एक बड़ा हीरोइक सीन तैयार हो गया था यहाँ पर। द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल, लेकिन जो फ्रांस थी, फ्रांस कंट्री में देखा जाए तो इस जो रिवोल्यूशनरी वॉर है इससे बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस लोगों में वहां पर आ गए थे। अब मैन तो चले गए वॉर के लिए, वुमेन रह गई, तो वुमेन रह गई फ्रांस में, वो क्या करें थी, वुमेन वर लेफ्ट टू क्रॉप टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। जो वुमेन है उन्हीं पर ही सारा काम आ गया था, वो घर को भी संभाल रही थी, उसके साथ साथ वो कुछ छोटे मोटे काम भी कर रही थी और अपनी फैमिली को भी देख रही थी पूरी तरीके से, कुछ अर्निंग भी कर रही थी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ पर वुमेन पर आ गई थी। इसके बाद Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. उसके बाद एक बहुत बड़े population के section ने ये convince कर लिया that the revolution had to be carried further, कि जो revolution है वो आगे बढ़ेगी, revolution खत्म नहीं होने वाली है, जो war चल रहा है ये खत्म नहीं होने वाला है। तो एक फिर से एक Constitution of 1791 ने क्या किया, 1971 में फिर एक बातचीत हुई आपस में, फिर इन्होंने डिसाइड किया कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो रिचर सेक्शन को दे दिए जाएं सोसाइटी के। अब इससे क्या हुआ, जो बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल क्लब्स एक्टिव हो गए, उनमें एक जो सबसे ज्यादा एक्टिव क्लब था वो था जैकोबियन क्लब, द जैकोबियन विच गेव इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। तो सेंट जैकोब के नाम पर इस क्लब का नाम जैकोबियन क्लब पड़ा। वुमेन टू है हु हैव बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स, और वुमेन ने भी अपने अपने क्लब को बनाना शुरू कर दिया, अपने अपने छोटे छोटे ऐसी
क्लब्स बनाए और अपनी अपनी ओपिनियन को वहां पर वो शेयर करती थी, और एक जैकोबियन क्लब का भी फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो जो सोसाइटी के एक लोअर क्लास थी, इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, इस टाइप के पेंटर्स, छोटे छोटे जो लोग थे, लोअर क्लास के लोग थे, ये पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें, और इनके लीडर्स थे मैक्स मिलन रॉबर्सपियर। जैकोबियंस डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। देखिए, इन्होंने डिसाइड किया कि ये अलग कुछ ड्रेस कोड रखेंगे अपना, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखाया गया है कि ये एक रेड स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहना करते थे, जो इनको बाकी लोगों से अलग करता था। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सोसाइटी ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो एरिस्टोक्रेट थे, उससे खुद को अलग करने के लिए ये खुद को ऐसे ड्रेसअप किया करते थे। इसके बाद देखिए, these Jacobians came to be known as the Saint Plutos, और ये जो इनका ड्रेसिंग सेंस था और जो इनकी आइडियोलॉजी थी, इसको Saint Plutos का नाम दिया गया। Saint Plutos man wore in additional the red cap that symbolized liberty, और साथ में रेड कैप भी पहनते थे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जो उसका जो फ्रीडम को सिंबलाइज करता था, लिबर्टी को सिंबलाइज करता था, तो ऐसा एक रेड कैप भी पहनते थे। However, women were not allowed to do so, लेकिन वुमेन को ऐसा करने की कुछ अभी भी परमिशन नहीं मिली हुई थी, अभी भी अलाउ नहीं था। इसके बाद देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलरीज, मैसकर्ड द किंग्स गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। लेटर द असेंबली वोटेड टू इंप्रिजन द रॉयल फैमिली, क्योंकि फ्रेंड्स इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबियन प्लान एंड इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वर एंग्रीड बाय अ शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। देखिए, खाने का जो अनाज है, अनाज के डिमांड तो ज्यादा थी, लेकिन अभी भी फ्रेंड्स ये कंडीशन बनी हुई थी कि उसके दाम बहुत ज्यादा थे और सप्लाई कम थी। इसी वजह से जो जैकोबियंस थे वो बहुत ज्यादा एक टेंशन वाली सिचुएशन चल रही थी, परेशान में जैकोबियन से परेशानी चल रही थी। तो क्या हुआ, 10 अगस्त को वो उन्होंने अटैक कर दिया, पैलेस पर अटैक कर दिया, और पैलेस को घंटों, और जो किंग है उसको घंटों तक उन्होंने एक जगह पर कैप्चर करके रख लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रीजन द रॉयल फैमिली, उसके बाद असेंबली में वोटिंग हुई और उसके बाद जो रॉयल फैमिली है उसे इम्प्रीजन कर दिया गया। इलेक्शन हुए, from now on all men of 21 years and above regardless of wealth got the right to vote. voting hui, aur uske baad jo 20 years se kam ke log hain unko bhi voting rights de diye gaye. iska matlab jo monarch hai uski power ko aur bhi zyada kam kar diya, bilkul bhi unko matlab kisi bhi type ka relaxation diya hi nahi gaya. a newly elected assembly was called the convention on 21st September 1792, it abolished the monarchy. Monarchy पूरी तरह से अब खत्म हो गई and declared France a republic. और France को एक republic declare कर दिया गया। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government. जैसा कि हम जानते ही हैं कि जब गवर्नमेंट कहीं पर भी जब रिपब्लिक अप्लाई हो जाता है, रिपब्लिक गवर्नमेंट जो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर लोग इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को अपने वोटिंग के बेस पर, देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। अब यहाँ पर कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं रही। बट On 21st January 1793, he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after. देखिए, Louis King 16th को पहले जेल में बंद कर दिया गया था और उसके बाद उसको मार दिया गया, और ऐसे ही कुछ टाइम बाद क्वीन मैरी एंटोनेट के साथ भी हो गया। अब देखिए, ठीक है, ये तो कंडीशन ये रही कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गई, किंग और क्वीन को खत्म कर दिया गया और फ्रांस में पूरी तरह से मोनार्की आ गई। बट द रेन ऑफ टेरर
फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई फ्रांस की सोसाइटी का जो लक है फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा नहीं था। पहले मोनार्की, फिर रिपब्लिक, फिर मोनार्की, फिर रिपब्लिक, ऐसे ही सिचुएशन कंडीशन फ्रांस के साथ चलती रही है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू एज द रीन ऑफ टेरर। एक्चुअली फ्रेंड, जिसको फ्रेंच सोसाइटी अपना सबसे बड़ा फ्रेंड समझ रही थी, वो एक्चुअली में फ्रेंड नहीं निकले। जो रॉबेस्पियरे को इन्होंने अपना लीडर मान लिया था, वो एक्चुअली अपने एक बेनिफिट के लिए ही काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉज लगा दिए, बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिससे फ्रेंच सोसाइटी फिर से परेशान होने लगी। रॉबेस्पियरे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो रॉबेस्पियरे की बात नहीं मानते थे, उनको ये बहुत तरीके से पनिश किया करते थे। एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। उनको भी खत्म कर दिया जाता था, चाहे वो खुद रॉबेस्पियरे की पार्टी का ही पर्सन क्यों नहीं हो, अगर वो उनको अपोज करेगा तो वो उसको पनिश करते थे। If the court found them guilty, they were guillotined. Guillotine means क्या होता है friend? ये guillotine एक machine थी, कैसी machine थी जिसमें person को लिटा दिया जाता था और उसकी गर्दन को उसकी body से अलग कर दिया जाता था, और इसका नाम पड़ा डॉक्टर गिलेटिन के नाम पर ही, जिन्होंने इस मशीन को इन्वेंट किया था। रॉबेस्पियरे गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। बहुत सारे ये नए नए रूल्स रेगुलेशन लेकर के आए। मीट एंड ब्रेड वर राशन, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करेगी, उसी पर ही अपने अनाज को बेच सकते हैं। The use of more expensive white flour was forbidden. All citizens were required to eat the equality, मतलब एक होल व्हीट, पूरा गेहूं का उन्होंने ब्रेड खाने का उनको बोला गया था। उनको जो व्हाइट फ्लोर वो मिलाते थे, उसको उन्होंने बंद कर दिया पूरी तरीके से। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। चर्च को बंद कर दिया गया और उसकी जगह पर वहां पर बैरक और ऑफिसेस बिल्डिंग्स बना दी गई। He was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to guillotine. लेकिन ये बहुत टाइम तक नहीं चलने वाला था। लोगों ने फिर से मीटिंग की और 1749 में इनको अरेस्ट कर लिया गया, और इनको जैसे ही बाकी लोगों को मारते थे ऐसा इनके साथ भी किया गया, इनको भी लास्ट में गिलोटिन कर दिया गया। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये लोग कलेक्ट हुए हैं और लाइक ए फेस्टिवल ये कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो अब इनका रॉबेस्पियरे के बाद की सिचुएशन है, यहाँ पर भी थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं और एक सेलिब्रेशन है यहाँ पर। ए डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस, अब इसके बाद फिर से फ्रांस में डायरेक्टरी रूल आ गया। द फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब जब जैकोबियन गवर्नमेंट खत्म हो गई तो फिर से पावर किसके हाथ में आ गई, मिडिल क्लास के, जो वेल्दियर थे, जो प्रोस्पेरियस सोसाइटी थी, वेल्दी सोसाइटी थी, उसके हाथ में फिर से पावर आनी शुरू हो गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फिर से वही सिचुएशन आ गई। दीज देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ फाइव मेंबर्स। फाइव मेंबर्स को मिलाकर के एक डायरेक्टरी बना दी गई, मतलब एक नया फॉर्मेशन किया गया। अब यहाँ पर इसमें क्या था, द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैशेस विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन सॉट टू डिसमिस देम। इनमें भी आपस में क्लैश होने लगा। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। जब डायरेक्टरी रूल आया तो फ्रेंड्स, जो जुडिशियरी बनी थी हमारे यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव थे, लेजिस्लेचर थे, उसमें फिर से कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए, फिर से आपस में व्यूज क्लैश होने शुरू हो गए। जब मिडिल क्लास में, जब वेल्दियर क्लास के पास पावर पहुंचने लगी, इसके साथ साथ राइज होता है एक मिलिट्री डिक्टेटर का, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो एक डिक्टेटर तो नहीं कह सकते, एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट आता है आपके चैप्टर में, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन।
वुमेन की बात अभी भी फ्रेंड्स अधूरी ही रह गई, क्योंकि वुमेन को अभी भी पूरी तरह से राइट नहीं मिले। जब जैकोबियन क्लब बना तब भी वुमेन ने अपनी पार्टीज बनाई, अपने क्लब बनाए, बट उसको किसी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स। शुरू से ही वुमेन ने बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया है, पार्टिसिपेट किया है। अगर फ्रेंच मैन जा रहे हैं वॉर के लिए, तो वुमेन ने अपने घर को, अपनी सोसाइटी को कंट्रोल करके रखा है, सब चीज सब कंडीशन को संभाल करके रखा हुआ है, बट उनको सोसाइटी पोजीशन नहीं मिली है, विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। वुमेन का जो रोल था वो बहुत अच्छा था, उन्होंने फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश की। दे होप्ड दैट देयर इंप्रूवमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इंप्रूव देयर लाइफ। उन्होंने ये भी सोचा, ये उम्मीद थी उन्हें कि उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है शायद वो उनके लिए अच्छा साबित होगा और उनके लिए कुछ इसमें वुमेन की सेल कंडीशन में इंप्रूवमेंट आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेस ऑफ प्रोस्पेरियस फैमिली, प्रोस्पेरियस पीपल, उनकी सिचुएशन वही बनी रही कि वो एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट काम करती रही, वेजिटेबल्स को बेचती रही, और छोटे मोटे फ्लावर्स को बेचती रही, ऐसे ही इनकी कंडीशन बनी रही। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ना उनको एजुकेशन लेने की परमिशन थी, ना जॉब की ट्रेनिंग लेने की परमिशन थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ गवर्नमेंट आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम। वुमेन को किसी भी टाइप की जो लोअर क्लास की वुमेन है उसकी कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब थी, केवल जो वेल्थियर सोसाइटी थी वहां की वुमेन को ही अच्छी एजुकेशन लेने की और अच्छी फैमिली में मैरिज करने की, उनको मैरिज कर दी जाती थी, उनकी अच्छी एजुकेशन दिला करके, उनको कुछ ट्रेनिंग दिला करके अच्छी फैमिली मैरिज कर दी जाती थी, जबकि जो लोअर क्लास की वुमेन थी उनकी कंडीशन एज वेल खराब ही बनी रही। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। अपनी आवाज को उठाने के लिए उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और पॉलिटिकल क्लब्स को भी बनाया। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। इनमें से द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन, ये कुछ वुमेन के बनाए हुए सोसाइटीज थी, इंपॉर्टेंट सोसाइटीज थी, जिसमें ये डिमांड करती थी कि दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, कि वुमेन को भी ये सेम राइट मिलने चाहिए, सेम पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए जिन मैन के इक्वली। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन। लेकिन जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी वुमेन को एक पैसिव सिटीजन की ही जगह मिल पाई। वो लगातार डिमांड करती रही वोट के लिए कि उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। In the early years, the revolutionary government did not introduce laws introduce laws that had improved the lives of women. कोई भी इसमें कहीं पर भी वुमेन का जिक्र नहीं था कि उनकी भी कंडीशन को इम्प्रूव करना है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनकी कंडीशन को सुधारना शुरू किया। इनके रेवोल्यूशन ने धीरे धीरे से असर दिखाना शुरू किया। Schooling were made compulsory for all girls. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. The divorce was made legal and could be applied for by both women and men. Women could now train for jobs, could become artists or run small businesses. लेकिन देखिए धीरे धीरे से जब वुमेन ने बहुत से प्रयास किए हैं, अपनी कोशिशें की हैं, तो वो सक्सेसफुल होना शुरू हुई। जो उनके साथ पार्शियलिटी हो रही थी धीरे धीरे वो खत्म होनी शुरू हो गई और वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलने शुरू हो गए। वुमेन्स ने बहुत स्ट्रगल किया है अपने अर्निंग राइट्स के लिए। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। लेकिन जब रेन ऑफ टेरर का टाइम आया था उस समय गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे इन क्लब्स को बंद कर दिया गया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया, और जिसका जो इस चीज को अपोज कर रहे थे उन बहुत सारी वुमेन को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बाद फाइनली 1946 में
वुमेन को वोट करने का राइट मिला है फ्रांस में। फ्रेंड्स, इतना ज्यादा स्ट्रगल रहा है वुमेन का, और इसमें ये ओलंपी डिगोज नाम की ये वुमेन है जिन्होंने एज ए एक्टिव पॉलिटिकली ये बहुत एक्टिव रही हैं और उन्होंने रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया है। बाद में इनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको भी मार दिया गया, बट इन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है वुमेन की फ्रीडम के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। फ्रांस में पहले स्लेव्स को खरीदा और बेचा जाता था, ये स्टार्टिंग में होता था, बट वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबियन रिजीम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी। बहुत सारे काम हुए हैं, इनमें से ये भी है कि जैकोबियन रिजीम में फ्रांस में स्लेवरी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। लेकिन फ्रांस, मार्टिनिक एंड गडलॉफ एंड सेंट डोमिंगो, ये तीन ऐसे प्लेस हैं जहां से कमोडिटीज का सप्लाई होती थी, कमोडिटीज की सप्लाई होती थी, और उसको लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए बहुत सारे स्लेव्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन क्योंकि जब स्लेवरी बैन हो गई तो कंडीशन बहुत खराब हो गई, लोगों की कमी पड़ने लगी, तो इन लोगों ने दूसरा एक तरीका निकाल लिया। ये तरीका क्या था? एक ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका में शुरू हो गया। द स्लेव ट्रेड फिर से गुलामों को बेचने और खरीदने का सिस्टम शुरू हो गया है 17th century में। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ वर्डक्स एंड नंस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल शिप्समैन। शिप्स से ये स्लेव्स को खरीद लेते थे और फ्रेंड्स ये एक मतलब सामान की तरह से बांध करके और शिप में लोड करके ये कई कई महीनों की वॉयज पे निकल जाते थे, अक्रॉस अटलांटिक टू द कैरिबियन सी तक निकल जाते थे, और वहां पर ये लोग, ये प्लांटेशन ओनर्स, ये गुलामों को खरीदते और बेचते थे। इतनी कंडीशन खराब हुई थी कि किसी सामान की तरह से स्लेव्स खरीदे और बेचे जा रहे थे, और फिर ये अपना उनसे काम लेने लगे। इससे बहुत ज्यादा ये जो स्लेव ट्रेड है बहुत ज्यादा बढ़ गया। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. National Assembly में बहुत बड़े-बड़े debate हुए कि इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा law pass नहीं हो पाया जो businessman, जहां से income आ रही थी सबसे ज्यादा, क्योंकि slave से ही सबसे ज्यादा income आ रही थी, इसको खत्म कर सके। ऐसा कोई भी law नहीं बन पाया, but बाद में ये लोग convince हो गए। Finally, the convention, which एक और convention हुई 1794 में, जिसमें legislated to free all slaves in the French overseas possessions. इसके बाद जो slaves हैं उनको free कर दिया गया। उसके 10 years बाद, उसके 10 साल बाद friends, Napoleon Bonaparte ने इसको reintroduce कर दिया। Slavery को इन्होंने reintroduce कर दिया स्लेवरी, लेकिन उसके बाद भी देखिए स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज इन 1848 में। जो स्लेवरी है वो फ्रांस से पूरी तरह से खत्म हुई है। अब देखते हैं फ्रेंड्स द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, लोगों की एवरीडे लाइफ कैसी थी और रेवोल्यूशन का क्या हाल चल रहा था। देखिए फ्रांस में स्टार्टिंग की कंडीशन तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खराब थी। एक इम्पॉर्टेंट लॉ और आया था उस टाइम पर 1789 में। आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। जब बेस्टाइल पर स्टॉर्म किया था फ्रेंच सिटीजन ने, तो उसके साथ साथ बहुत सारे एक जो डिक्टेटरशिप थी, जो मोनार्कियल लॉस थे खत्म हुए थे, इसके साथ एक चीज और खत्म हुई थी, वो थी सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है फ्रेंड्स? ओल्ड रिजीम में ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेस कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। जो भी न्यूज़पेपर, जो भी आर्टिकल, जो भी प्रिंटिंग प्रेस में जाएगा या जो भी पब्लिश होगा, उस पर पहले परमिशन मिलनी चाहिए किंग की, मोनार्की। अगर मोनार्क को लगता है कि ये इसके बेनिफिट में नहीं है या इसमें कुछ ऐसा है जो किंग या मोनार्की अगेंस्ट बोला जा रहा है, तो वो उसको पूरी तरीके से
मना कर देते थे कि ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं होगा. बट नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट, लेकिन जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट आए तो मैन को ये परमिशन मिल गई कि अब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल चुका था और ये उनका अब एक नेचुरल राइट बन गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन के आने के बाद. अब लोगों के पास पूरी तरीके से फ्रीडम थी कि वो बिना किसी से पार्शियल हुए एक ट्रूथफुल तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं. इसके बाद देखिए चैप्टर का कंक्लूजन है फ्रेंड्स. यहाँ पर इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस. 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया. ही सेट आउट टू कंक्योर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. फ्रांस में एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट आए हैं. इन्होंने बहुत सारे नेपोलियनिक इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको नाम दिया गया था नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड उसको नाम दिया गया, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे नए नए लॉज लेकर के आए हैं. कुछ अच्छे भी थे और किसी से लोगों को सोसाइटी को लॉस भी हो रहा था. इनका टारगेट यही था फ्रेंड्स कि ये फ्रांस में रूल करेंगे. फ्रांस के पास और अदर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अदर टेरिटरीज हैं, उस पर रूल करेंगे और इनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वहां पर उनको ये किंग बना देंगे. ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय ए डेसिमल सिस्टम. इन्होंने बहुत सारे नए नए लॉज को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को इन्होंने एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, एक सिस्टम बना दिया वेट्स को और मेजर्स को के को प्रोवाइड कराने के लिए, को मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए इन्होंने डेसिमल सिस्टम बनाया. नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल. वो फ्रीडम तो लेकर के आए थे बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स. लेकिन उनका टारगेट क्या था, जस्ट फ्रेंड मैंने अभी आपको बताया कि उनका टारगेट ये था कि वो फ्रांस को उन्होंने फ्री तो करा दिया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई, लेकिन उसके साथ साथ एक उनके इसके पीछे उनका टारगेट यही था कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी उनको जीतना था और अपनी फैमिली के मेंबर्स को वहां पर एज ए किंग सेटल करना था. ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. इसके बाद वो 1815 के वाटरलू के वॉर में हार गए थे, वो चले गए थे फिर वहां से. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. इतना revolution के बारे में इतना पढ़ने के बाद friends एक चीज तो हमें clear समझ में आ गई है कि जो फ्रांस society है उसने बहुत ही ज्यादा struggle किया है. हर aspect को उसने देखा है society में, कितनी tension, कितनी type के crisis को उसने झेला है. और ये जो आइडियाज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो आइडियाज थे उसने बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. पूरी फ्रांस को, पूरी फ्रेंच सोसाइटी ने, पूरी अदर यूरोपियन कंट्रीज, इवन फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको बहुत हेल्प की है. एक रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी दी है जिससे कि आज भी लोग इससे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक में अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी.